लो लो लो। अपन हम गाने कितने हैं आप इस दिन के कितने गानों में नजर आएंगे? दर्शकों को दो गानों में नजर आऊंगी, दो गानों में देसी तड़का है और म्यूजिक दिया छोटे बाबा ने, कौन जाता है दूसरा टोन आता है। होपफुली दर्शकों को पसंद आए, दर्शकों को क्या पसंद आए ये उनके मूड पे डिपेंड करता है। हर डायरेक्टर हर आर्टिस्ट अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। अभी मैं बहुत ज़्यादा जुकाम में हूँ तो बोलने में भी तकलीफ हो रही है। अब तक एक्शन की बात की जाए कितने फिल्मों आपने एक्शन किया और इसमें कितना अलग एक्शन का पार्ट? अभी तक शायद मैंने 4 से 5 फिल्मों में एक्शन किया है और बाकी में मैंने हाथ पैर बंदूक चलाई है। पहली बार मैंने चाकू चलाया हाथ पैर के साथ, तो ये थोड़ा डिफरेंट था। मुझे 1-2 घंटे लग गए सीखने में, खंजर फेंकना ही नहीं आ रहा था कि कैसे फेंकूँ, फिर हो गया। पूनम जी मूवी का नाम है टाइगर अभी जिंदा है और सलमान खान के पीछे ऐसा रिलीज हुई थी टाइगर अभी जिंदा है, उसमें कटरीना कैफ वाला जो किरदार है बहुत लंबी है, वही आपको लंबी वाला सीन दिया गया है क्या? और इसकी शूटिंग भी दुबई में वहीं पर की गई है? नहीं, दुबई में शूटिंग हुई जरूर है लेकिन वहाँ पे मेरा नहीं, वहाँ अंजना जी का शूट हुआ है। अंजना जी दुबई वाली है, मैं देसी हूँ और मैं पूनम दुबे हूँ, मैं कोई कैटरीना करीना नहीं हूँ। मतलब इस उस मूवी से इसका कोई नहीं, सिर्फ नाम का एक मैच होता है, लोग यहाँ के नाम को वहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ के नाम को यहाँ यूज़ करते हैं, बट किसी फिल्म से स्टोरी या कैरेक्टर या किसी चीज़ को लेकर के कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई मैच नहीं है, सिर्फ नाम मैच। टाइगर के किरदार में मनमोहन जी हैं तो शेरनी के किरदार में पूनम दुबे। हाँ, शेरनी कह सकते हैं क्योंकि जिस हिसाब से मेरी फिल्म में मेरे एक्शन सिक्वेंस हैं, डायलॉग्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उसमें कह सकते हैं टाइग्रेस या फिर शेरनी मैं हूँ। मैं टाइगर अभी जिंदा की कैटरीना वाले रोल में नहीं हूँ। रवि सिन्हा जी के साथ कम टू कम कई फिल्म आपने की, कैसा रहा था उनके साथ काम करके? जी बहुत अच्छा रहा। जब मैं आइटम करती थी तब मेरी सेकंड फिल्म अदालत सर के साथ थी और तब से लेके अभी तक मोर देन हमने 9 से 10 फिल्में किया साथ में और जो फिल्में रिलीज हैं उनके रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि इंतकाम है, रंगीला है, अभी हाल ही रिलीज फिल्म हुई थी मुन्ना मोहाली, तो सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, होपफुली और भी फिल्में करेंगे। एक अदालत फिल्म होती है जो अदालत में लोग जाते हैं, कोई गलत काम करता है या सही करता है फिर भी अदालत पहुंच जाता है और पॉलिटिशियन हमेशा जेल जाते रहते हैं, एक दिन बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन जाते हैं, तो आप अदालत जा चुकी है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनने वाली है बॉलीवुड में भी? आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत पेचीदा होते हैं। हाँ। और अदालत फिल्म में मैंने दिनेश जी के साथ ठुमका लगाया था, तो दिनेश जी मेरे फेवरेट एक्टर है, तो मैं कह सकती हूँ कि अदालत जा करके मुझे दिनेश जी निरहुआ जो हमारे भोजपुरी के जुबली एक्टर कहे जाते हैं उनके साथ ठुमका लगाने का मौका मिला था। एज ए हीरोइन तो शायद कभी मौका ना मिले, बट उनके साथ मेरी सेकेंड फिल्म थी, बहुत अच्छा लगा था। अदालत में कई आर्टिस्ट थे जी, सिर्फ निरहुआ के साथ ही अपने ठुमके लगाए? हाँ जी, मैंने सिर्फ निरहुआ के साथ ठुमके लगाए क्योंकि मोना जी के साथ एक आइटम हीरोइन के साथ तो ठुमका लगाएगी नहीं। अच्छा। और मैं जिस आइटम में थी उसमें विलन था नहीं, वो स्पेशली हीरो और हीरोइन का गाना था, तो हीरोइन में मतलब मेरा गेस्ट अपीयरेंस था। पूनम दुबे और अंजना सिंह का क्या कम्युनिकेशन है इस मूवी में? पूनम दुबे अंजना सिंह फिल्म में आपको सिर्फ एक गाने में साथ नजर आएंगी, जिसमें दो बिल्लियां लड़ेंगी, एक टाइगर के लिए लड़ती है चूहे के लिए, लेकिन यहाँ टाइगर के लिए लड़ेंगी, एक गाने में कॉम्बिनेशन है। और हमने अपना 100% दिया है कि एक दूसरे को जितना टक्कर दे सकते हैं, डांस में, एक्टिंग में चिढ़ाना, बहुत अच्छा जो हमारा ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री है उसको हमने ऑन स्क्रीन दिखाने की कोशिश की है। मुन्ना मोहाली में भी आप और अंजना जी साथ नजर आए थे गाने में? हाँ जी, उसमें हम एज ए फ्रेंड आपस में मिल करके परफॉर्म कर रहे थे अपने हीरो की हेल्प करने के लिए, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, यहाँ हीरो को पाने के लिए हम दिखा रहे हैं कि आई एम द बेस्ट, वो कहती है आई एम द बेस्ट, लास्ट में पता चलता है हीरो चला जाता है, हम भी आपस में मिल जाते हैं। वहाँ दोस्ती, यहाँ दुश्मनी? हाँ जी, वहाँ सहेली भी, यहाँ स्वतंत्र है। पूनम और मैं मुझे मिलना है आपका? हाँ जी, मेरी आने वाली फिल्मों में है रिस्क है, गिरफ्तार, माँ पूर्णागिरी, सुहागरात।